अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। काफी टाइम बाद आई, लेकिन आना ही पड़ा क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना रही थी तो मुझे खुद से बेचैनी हो रही थी कि मैं क्यों नहीं बना रही, क्यों नहीं चीजें शेयर कर रही आप लोगों के साथ। तो आज की वीडियो जो है वो मेकअप से रिलेटेड है और बड़ी ही मजेदार सी दो चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो कि आपके मेकअप को जो है लॉन्ग लास्टिंग रखेंगी, पोर को मिनिमाइज करेंगी और चेहरे को मैटिफाई करेंगी। तो ऑयली स्किन हो या आपके पोर्स हों, बेशक ऑयली स्किन हो या बगैर भी, तो और आप लॉन्ग लास्टिंग चाह रहे हो तो आपको ये सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। तो जो दो प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हैं ये NYX की प्रोडक्ट्स, उसके प्राइमर स्टिक और सेटिंग पाउडर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो जनाब अली, सबसे पहले हम लगाएंगे प्राइमर। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है वॉश कर लिया है, वॉश करना बहुत ज़रूरी है फेस। उसके बाद क्रीम वगैरह सब कुछ जो हाइड्रेटिंग क्रीम वगैरह आपने लगानी है वो लगाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इस स्टिक के साथ। ये मैजिकल स्टिक है आप कह सकते हैं, जो कि आपके पोर्स को जो है वो ब्लर कर देगी। इसका नाम भी है पोर फिलर, NYX की है। ऑलरेडी जो है इसका पोर फिलर मैं काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर चुकी हूँ, जो कि मूस जो है टेक्सचर में है और ये अब जो है इन्होंने स्टिक शेप में बनाया है, तो लिपस्टिक टाइप ऐसे छोटा सा है ये। और ये है तकरीबन 3 ग्राम की स्टिक है ये। इसका स्टिक की शेप में होने का फ़ायदा ये है कि जो छोटे जोन्स होते हैं जिधर हम जो है लगाते भी हैं तो बाज़ दफ़ा सही से नहीं लगा पाते, तो ये उनको भी रीच करता है, इसलिए ये स्टिक बड़ी फ़ायदेमंद है। और अभी हम इसको देखेंगे कि ये लगती कैसे है और क्या रिज़ल्ट देती है। तो जनाब मैंने क्लोज़अप कर लिया है ताकि आपको हर चीज़ ड्रॉनी किस्म की नज़र आ सके, मेरे दाने वगैरह और से देख सकते हैं, इसके ऊपर ही कोई मैजिक नहीं करेगा। जूम इसलिए मैंने किया था कि आप मेरे जो है पोर्स देख सकें, और उसी के ऊपर एक तरफ मैं लगाती हूँ ताकि दूसरी तरफ आप देख सकें कि कितने अच्छे से ये मिनिमाइज करता है पोर्स को। ये है वो एरिया जहाँ मैंने लगाया है प्राइमर और ये वो एरिया है जहाँ प्राइमर नहीं है। तो आप पोर्स देख सकते हो, ओपन पोर्स मेरे यहाँ पे जो है वो मिनिमाइज हो गया। ठीक है, हर जगह लगा लेते हैं। तो जनाब प्राइमर लगा लिया, लेकिन उससे पहले कुछ और स्टेप करूँ, मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक और अलग से जो है मेकअप किया विदाउट इस प्राइमर के और सेटिंग पाउडर के, एक कंप्लीट मेकअप किया दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ। और उसको 5-6 घंटे बाद रखने के बाद, 4-5 घंटे रखने के बाद सॉरी, मैंने इसके NYX के सेटिंग पाउडर के साथ उसको सेट करके भी आपको दिखाया है, ताकि अगर आपके पास प्राइमर स्टिक नहीं है तो आप सिर्फ सेटिंग पाउडर से भी क्या कमाल कर सकते हैं। और इवन अगर आपने मेकअप एक कंप्लीट किया है उसको टचअप जो है सेटिंग पाउडर से कितना अच्छा हो जाता है, कितना अच्छा रिफ्रेश मेकअप हो जाता है, ये भी आप थोड़ी देर में देखेंगे। NYX का मैटिफाइंग पाउडर कांट स्टॉप वॉन्ट स्टॉप और ट्रांसलेसेंट पाउडर है ये, मुझे यही ज़्यादा सूट करता है, मैं यही लेती हूँ। तो जनाब प्राइमर मैंने लगा लिया है, अब जैसे कि हमने ये दोनों प्रोडक्ट टेस्ट करनी है NYX की और ये बड़ी कमाल की हैं, तो मैंने कहा इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम हम रिज़ल्ट देख सकें तो मैं अपने प्राइमर को पहले इससे टेस्ट करूँगी, उसके बाद फाउंडेशन लगाऊंगी। आप फाउंडेशन प्राइमर के फौरन बाद ही लगा सकते हैं और इस पाउडर के साथ सेट कर सकते हैं। लेते हैं एक ब्रश, पाउडर ब्रश, और जहाँ जहाँ मैंने स्टिक लगाई है, अवल तो मैंने पूरे फेस पे ही लगाई है, इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। मैंने काफ़ी यूज़ करने के बाद
आप लोगों के साथ ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ। मुझे अंदाज़ा है, ख़ासतौर पे इस पाउडर का कहूँगी, कि बहुत अच्छे से ये आपके मेकअप को फिक्स करता है, पोर्स को जो है अच्छे से मिनिमाइज करता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। तो ये अच्छे से हमने लगा लिया। अब मैं फाउंडेशन आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सा लगाने लगी हूँ। तो जरा मैंने जो है अपना प्राइमर सेट कर लिया है। अब जो फाउंडेशन मैं लगा रही हूँ वो मैं विदाउट कैमरा लगाऊंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, हम रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। तो फाउंडेशन जो है वो है अर्बन डिके का 51VY, ये वाला, और कंसीलर जो है वो नार्स का है, शेड है कस्टर्ड। तो ये सब लगा के आती हूँ, फिर हम इसको सेट करते हैं। तो जनाब ये हो गया है मेरा फाउंडेशन, कंसीलर, लाइट बड़ी ख़राब सी है तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो है मैंने सफ़ेद सफ़ेद कुछ रख लिया है, और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, कंसीलर मेरे शेड का है। सिर्फ लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और नेचुरल लाइट का यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। खैर, अब जब के सेटिंग की बारी आती है तो पहले मैं जो हूँ अंडर आई एरिए को इसी से सेट करूँगी, और ख़ास तौर पर लीड एरिए को, क्योंकि ये मैटिफाई करता है। तो यहाँ पे अगर आप शेड्स लगा रहे हैं तो ये बात ज़हन में रखें कि इस तरह के फाउंडेशन जो है ना वो फिर अच्छे से सेट कर देते हैं आपके शेड्स को। मैं छोटे से एरिए पे जो है ना छोटे ब्रश से लगाऊंगी, और यही आप करा करें। मैंने नोटिस किया है जब से मैंने ये छोटे ब्रश इस्तेमाल करने शुरू किए हैं छोटे एरिए के लिए, तो मेरा मेकअप जो है हर जगह काफ़ी अच्छे से सेट बैठता है। तो नोज़ एरिया हो गया, ये साइड वाला एरिया हो गया, जिसको जो है बड़े ब्रश रीच नहीं कर सकते, वो ये हो गया हमारा छोटा जोन। अब आता है बड़ा जोन लेंगे। अव्वल तो ये कि इतना ज़्यादा आता नहीं है कि पूरे मुंह पे थप जाए और उसको ब्लेंड करना मुश्किल हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा झाड़ती नहीं, आराम से हर एरिए पे ये ब्लेंड हो जाता है। मैं बार बार इस तरफ देख रही हूँ क्योंकि शीशा मैंने रखा नहीं है, तो अगर आपसे आंखें नहीं मिला रही तो माजरत है। ओके, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ सेट हुआ हुआ कैसा लगता है। तो जनाब देख लें क्लोजअप से कितने अच्छे से मैटिफाई हुआ हुआ है मेरा सारा जोन, और कितने अच्छे से मेरे पोर्स जो हैं वो मिनिमाइज हुए हुए हैं। देखिए इस एरिया को तो आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि ये जो है ना यहाँ तो हर दूसरे दिन एक ना एक फूल खिला होता है, पता नहीं क्या हो गया आजकल मेरी स्किन से। खैर चेक करें तो जनाब ये है फाइनल लुक। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है कि मुझे अपना आप ही बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। वैसे मुझे अपना बहुत पसंद है, लेकिन सीधा मैजिक, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। तो जनाब अब जो है इसको हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि ये कैसा सेट बैठता है। मास्क भी मैं लगाऊंगी तो हो सकता है मे बी कुछ एरिया से रिमूव हो जाए, क्योंकि ऑफिस के अंदर जब आप होते हैं तो हीटर्स चल रहे होते हैं, फिर मास्क तो पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है, स्पेशली मास्क जहाँ पे लगा हुआ होता है, तो उधर की तो मैं गारंटी नहीं लेती। बेसिकली जब भी मैंने ये सेटिंग पाउडर और प्राइमर लगाया है तो मेरा मेकअप परफेक्टली सेट बैठा है, तो हम चेक करेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे मैंने जो है प्राइमर दूसरा यूज़ किया और सेटिंग पाउडर दूसरा यूज़ किया है, तो अभी आप करीब से देखेंगे और इसमें आप देखेंगे कि ये किस तरह, अगर आप सेटिंग पाउडर ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं प्राइमर के बजाय, तो ये कितना ज़बरदस्त है मैटिफाई करने के लिए, टचअप के लिए, और साथ साथ आपके पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए। तो जनाब अली ये मेकअप जो है 5-6 घंटे पुराना हो चुका है, और यहाँ से देखते हुए पता नहीं आपको टी जोन शाइन करता हुआ नज़र आ रहा होगा या नहीं। अव्वल तो ऑयली स्किन है तो दूर से ही नज़र आता है कि ये जो है शाइन कर रहे, तो ये ऑयली स्किन है। मैं करीब से आपको दिखाती हूँ, तो हम इस्तेमाल करेंगे एक कमाल की चीज़, और मैंने छोटा ब्रश लिया है ताकि मैं छोटे एरिए पे लगाऊंगी तो आपको नज़र आ सके, और एक साइड पे लगाएंगे ताकि आप दूसरी तरफ देख सकें फ़र्क। ये आप परफेक्टली देख सकते हैं मेरे पोर्स, ये जो है
शाइन करता हुआ एरिया, और हम लगाएंगे इस तरफ, कैमरे में ही देख रही हूँ ताकि मुझे नज़र आ सके कि मैं वहीं लगा रही हूँ जहाँ मुझे लगाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मेकअप भी हट चुका है, अब आप करीब से देखें ये एरिया और ये एरिया, टक टक। जनाब तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं मुझे मेकअप किए हुए, सुबह मैंने बहुत जल्दी मेकअप किया था और इस तरफ धूप थी तो उस तरफ मैंने जो क्लोजअप एरिया है वहाँ पे बैठ के नहीं वीडियो की, क्योंकि धूप की वजह से चेहरा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। पहला लुक जो है ऐसे और फिर ऐसे, वैसे ही है जैसा मॉर्निंग में था। 2 घंटे तक तकरीबन मैंने मास्क लगा के रखा है और बंद ऑफिस के अंदर, जिसके अंदर मुझे महसूस हो रहा था कि पसीना आ रहा है मुझे, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो वैसे ही फ्रेश मेकअप लग रहा है जैसा कि मेरा सुबह के टाइम पे था। दोनों चीज़ें जो है ना बड़ी काम की हैं, ये आपके समर को सेव करने वाली है या आपके विंटर को सेव करनी है, ये सारे सीजन्स को सेव करने वाली है, साथ साथ ही आपकी हर शादी के अंदर आपके मेकअप को ऐसा सदाबहार करने वाली है ना कि आप सब पूछेंगे अभी अभी आप मेकअप करके आए क्या, ये वो वाली बात है तकरीबन। और क्लोजअप करते हैं, ये हो गया जनाब क्लोजअप। आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा, मैंने कहा था ना कि मैंने मास्क लगाया था 2 घंटे तक, तो ये थोड़ा सा टी जोन जो है मेरा हल्का सा शाइन कर रहा है, वरना यहाँ पे देखें परफेक्ट है। और ये जो है पोर्स जो है मेरे अच्छे से जो है ना मिनिमाइज हुए हैं, स्मूथ मेरी जो है स्किन लग रही है, दिख रही है। और इसका ये है कि आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा शाइन कर रहा है तो हम अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, बल्कि रुके। तो जनाब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रश, अपना पाउडर और ये हो गया कुछ सेकंड्स के अंदर हमारा टचअप और ऑयल हो गया गायब। तो ये जो पाउडर है ना, इसने आपकी लाइफ सेव कर लेनी है मेकअप के मामले में। आपके जो मेकअप है ना उसने हमेशा मैट फिनिश रहना है। ऑयल कहाँ था, कब था, क्यों था, उसका नाम और निशान मिटा के ये रख देगा, तो बड़ी काम की चीज़ है। प्राइमर जो है वो पोर्स, ओपन पोर्स वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है अक्सर जो है ना, वो जो मेकअप कितना भी अच्छे तरीके से फाउंडेशन लगा हुआ हो, जैसे ही थोड़ा टाइम होता है तो वो यहाँ से पोर्स जो है फौरन नज़र ना आना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्टिक जो है, ये जो प्राइमर स्टिक है, ये बेहतरीन है इस मामले में, बहुत अच्छे से मिनिमाइज कर देती है। डिपेंड करता है आपके कितने पोर्स खुले हुए हैं, जितने ज़्यादा ओपन होंगे उतना ज़्यादा आपको फ़र्क नुमाया पता चलेगा, जितने कम होंगे उसमें लाइट सब पता चलेगा, लेकिन जब आप हम फाउंडेशन लगाते हैं तो पता चलता है कि कितनी स्किन हमारी स्मूथ हो गई है। अगर आपको ये मिल सकता है कहीं से भी तो जल्द अज जल्द अपने मेकअप कलेक्शन में डालें, क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ है। तो जनाब यहाँ ख़त्म होती है वीडियो, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने कमेंट्स देना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो सीक्रेट्स होते हैं सबको पता होने चाहिए और जो काम की चीज़ें खासतौर पे वो सबको ज़रूर पता होने चाहिए। और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।